नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। टॉमस बाटा का परिवार 1667 से चर्मकारी के व्यवसाय में था। दुनिया के हर शहर में टोरंटो से लेकर कलकत्ता तक आज उनके बाटा शोरूम है। टॉमस बाटा चेक गणराज्य के जिलिन शहर में पैदा हुए थे। 10 वर्ष की उम्र में मां गुजर गई थी। 14 वर्ष की आयु में उन्हें जूते चप्पल का व्यवसाय शुरू कर दिया था। बहन एना और भाई एंटोनिया बाटा और स्वयं टॉमस ने मिलकर 320 अमेरिकी डॉलर से बिजनेस शुरू किया था सन 1994 में। उन्होंने कर्मचारियों को प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही हिस्सेदार बनाया था तथा अच्छे काम के लिए बोनस भी व्यवस्था बनाई थी। शराब खराब काम करने वालों पर जुर्माना की व्यवस्था जो कर्मचारियों को अपनी सैलरी से पूरा करना होता था, कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी तो उन्होंने सभी को काम से निकालकर अपने मन के मुताबिक टीम बनाई। 1932 में स्विट्जरलैंड से बाटा स्टोर खोलने से जिस हवाई जहाज से जा रहे थे वो क्रैश हो गया और टॉमस बाटा की मृत्यु हो गई। भारत में चर्मकारी करने वालों के साथ में भारत की सामाजिक व्यवस्था ने जो कुछ किया उसके सामने बाटा का उदाहरण कर देखो तो आप पाएंगे भारत की गुलामी और गरीबी के पीछे छिपे सामाजिक आर्थिक कारणों को। भारत में केवल श्रम का विभाजन नहीं हुआ बल्कि श्रमिकों को ही विभाजित करके उसे धार्मिक रूप से दिया गया जिसके गंभीर दुष्परिणाम हुए। पेरियार ने इसी कारण से मनुवादी धार्मिकता को पूरी तरह से नकार दिया और आज तमिलनाडु में द्रविड़ियन राजनीति बहुत मजबूत है। संवाददाता अशोक चौहान। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।